राठौर, जुल्मी कबड्डी संचालक, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल केबीडी जुल्मी पर। दोस्तों, कई मेहमान हम लोगों के साथ आए हैं, कई लोगों के इंटरव्यू हमने लिए हैं, लेकिन आज जो शख्स हमारे सामने मौजूद हैं इंटरव्यू के लिए, इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं, अपने आप में ही ये एक पहचान रखते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो समाज सेवी है, झालावाड़ से श्री शैलेंद्र यादव उर्फ कालू यादव। भाई साहब, ये जो जुल्मी में आयोजन किया जा रहा है, 24 दिसंबर से आयोजन शुरू हो जाएगा और हमारे देश के कई राज्यों की बड़ी बड़ी टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो जुल्मी जैसे छोटे से गांव में जो हमने एक मंच शुरू किया है जहां पर सारे मैचों का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और पूरे मैच इंटरनेशनल कबड्डी मैट पर खिलाए जाएंगे, तो हम सभी युवा लोगों की इस सोच के बारे में आप अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाइए। आपके द्वारा जो जुल्मी ग्राम के अंदर कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और इस तरह के आयोजनों से आने वाली युवा पीढ़ी को बल मिलता है और कबड्डी को, मेरी खुद की सोच है और कई लोगों की सोच है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान हो और इस तरह का आयोजन जो आपके द्वारा कराया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं इस कार्य के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से शुभकामना देता हूं और आपके कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे क्षेत्रवासियों और पूरे संभागवासियों से निवेदन करता हूं कि इस आयोजन को सही तरीके से और अच्छे तरीके से सफल बनाए। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो आज हमारे मेहमान हैं श्री शैलेंद्र यादव, ये लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से झालावाड़ हॉस्पिटल में भी इनका सामाजिक ट्रस्ट शुरू किया जा चुका है। लगातार इनकी सेवाएं पूरे क्षेत्र को मिल रही हैं और ये भी पूरे हाड़ोती में कबड्डी के बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हैं, तो हमारे इस हाड़ोती क्षेत्र में कबड्डी को जो पहचान मिली है उसमें कहीं ना कहीं इनका योगदान अतुलनीय रहा है, सराहनीय रहा है। सर, आप लगातार पूरे क्षेत्र में कबड्डी के आयोजन करवा रहे हैं, सभी लोगों को इससे जोड़ रहे हैं, तो हमने भी जो हमारे क्षेत्र में पहल शुरू की है, इस पहल के बारे में आप अपने विचार रखिए। ये एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सशक्त आयोजन है। इससे युवा पीढ़ी को आगे आने का अवसर मिलता है। कई लोग क्रिकेट वगैरह पर, हॉकी वगैरह पर, फुटबॉल वगैरह पर काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन कबड्डी के ऊपर जिस तरह का भी आयोजन चल रहे पूरे हिंदुस्तान में, तो मेरा मानना है कबड्डी के अंदर अधिक से अधिक युवाओं को प्रोत्साहन मिले और उनकी खेल की भावना कबड्डी के प्रति ज़्यादा बढ़े। शैलेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आयोजन हमने शुरू किया है 24 दिसंबर से, इसमें हम जितनी धनराशि जुटाएंगे वो सारी धनराशि जुल्मी मुक्ति धाम के विकास में खर्च की जाएगी, तो हम सभी युवा लोगों की इस पहल के बारे में आप अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाइए। इससे बढ़िया क्या सहयोग हो कि आप लोगों के जो विचार है वो इतने सराहनीय है और इस तरह के विचार इस युवा पीढ़ी को अंदर बहुत कम मिलते हैं और आपका जो विचार है मुक्तिधाम में राशि को लगाने का, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। सर, कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसके नाम से ही हमारे पूरे शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की अधिक से अधिक महिलाओं को भी इससे जोड़ें, तो आप हमारी महिला दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर महिला इस खेल से जुड़ती है तो इससे बढ़िया आपका कोई प्रयास नहीं होगा और महिलाओं को खेल के अंदर आगे आना चाहिए। कई महिलाएं जैसे क्रिकेट ले लो और अन्य खेल ले लो, सब में महिला आगे आई है और मेरा मानना है कबड्डी के अंदर भी महिलाओं को आगे आना चाहिए। सर, हमारे देश की महिला क्रिकेट में भी जबरदस्त महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। अभी भी हाल ही में जो विश्व कप खत्म हुआ, तो महिलाएं लगातार खेलों में आगे आ रही हैं। सुल्तान मूवी, दंगल मूवी, कई सारी ऐसी मूवियां हमारे देश में बनी है। चक दे इंडिया एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसमें महिलाओं को खेल के प्रति काफी प्रोत्साहन मिला था। तो हमारा जो ये आयोजन शुरू होने जा रहा है 24 दिसंबर से, क्या इस मंच के माध्यम से महिलाओं को खेल में प्रोत्साहन मिलेगा? बहुत जरूर से जरूर मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को आगे लाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, और महिलाओं को आगे लाना ही जरूरी है, क्योंकि कई क्षेत्र के अंदर महिलाएं काफ़ी पीछे हैं।
और जो कबड्डी का आयोजन है इसके अंदर हरियाणा साइड में देखा जावे या अन्य स्टेट में देखा जावे, काफ़ी महिलाएं कबड्डी को काफ़ी प्रोत्साहन देती है। और कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसके अंदर सभी वर्ग के सभी एज के बालिकाओं को खेलने का पूरा अधिकार भी है। और आजकल नई पीढ़ी के नाम से इस क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है, पहले महिलाएं इस चीज़ से थोड़ा दूर रहती थी लेकिन अब महिलाएं के नाम से कबड्डी के आयोजन में भी काफी भागीदारी निभा रही है। आज के हमारे मेहमान श्री शैलेंद्र जी यादव झालावाड़ के पूरे जिले में एक आइकॉनिक पर्सन है, तो भाई साहब आप पूरे झालावाड़ के युवाओं को इस कबड्डी आयोजन के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा इस आयोजन के बारे में यही संदेश है कि इसमें अधिक से अधिक युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और खेल को खेल की भावना की तरह खेलें। और कबड्डी एक ऐसा आयोजन है तो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा, और मेरी आप सब लोगों से यही अपील है कि उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेवे। दोस्तों आप सभी का प्यार हमें लगातार मिल रहा है लेकिन आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आयोजन को आप लोगों के लिए लाइव टेलीकास्ट कर पाएं। आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद।